देखते हैं 12 दिसंबर 1946 को जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली थी, तब किस किस माननीय सदस्य ने क्या क्या प्रपोजल रखा और उस दिन क्या हुआ था। भारतीय संविधान सभा के इतिहास में 12 दिसंबर 1946 तो 12 दिसंबर को माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लक्ष्यमूलक प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखना था, लेकिन उस पर जो विवाद भी होना था, डिबेट भी होनी थी, लेकिन वो बाद में स्थगित हो गया ऐसा लगता है। देखते हैं, भारतीय विधानसभा बृहस्पतिवार 12 दिसंबर 1946 ईस्वी, भारतीय विधान परिषद की बैठक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल नई दिल्ली में प्रातः 11 बजे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सभापति तत्व में प्रारंभ हुई। 11 दिसंबर को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य नियुक्त किया गया, स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उससे पहले शुरुआत में 9 दिसंबर को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबसे सीनियर मेंबर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, और 11 तारीख को फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष बन गए। तो अब देखते हैं सभापति जी ने क्या कहा कि जिन सदस्यों ने रजिस्टर पर हस्ताक्षर न किए हों वह इस समय हस्ताक्षर कर सकते हैं, क्योंकि जो जो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनको सिग्नेचर करने थे तो सब लोगों ने कर लिए थे। इसलिए इसमें आगे बोलते हैं कि मालूम होता है ऐसा कोई सदस्य नहीं रह गया है जिसने हस्ताक्षर न किया हो। अब हम दूसरा मुद्दा लेते हैं, यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रस्ताव। मैं समझता हूं कि कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनका ख्याल है कि इस आवश्यक प्रस्ताव पर विचार करने का उन्हें काफी समय नहीं मिला है। इसमें शक नहीं कि प्रस्ताव महत्वपूर्ण है, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी सदस्य यह समझे कि उसे इस पर पूरी तरह से विचार करने का समय नहीं मिला। यदि सभा की राय हो तो कल तक के लिए इस पर वाद विवाद में स्थगित कर दो। कई सदस्यों ने हाँ में हाँ मिलाई, और उसके बाद सभापति महोदय बोलते हैं, और फिर इस संबंध में एक और बात है जिस पर मैं सभा की राय चाहूंगा। नियम निर्मातृ समिति के सदस्यों को बैठकर नियम बनाने हैं। रूल मेकिंग कमेटी जो 11 दिसंबर 1946 को नियुक्त की गई थी, उसके बाद जिन्हें वे हमारे सामने पेश करेंगे, विधान परिषद की साधारण बैठक के अलावा भी उन्हें समय मिलना चाहिए। यदि आप सहमत हों तो सभा स्थगित होने के बाद उक्त समिति की बैठक प्रारंभ हो जाए, और इस तरह यथासंभव अधिक काम हम कर सकें। पर यदि समिति अपना काम समाप्त न कर पाए तो उसे कल पुनः बैठना होगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप अपनी बैठक प्रातः 11 बजे प्रारंभ करना चाहेगी और दोपहर बाद। मेरी तो राय है कि सभा की एक ही बैठक हो, चाहे प्रातः हो या दोपहर को, ताकि नियम निर्मातृ समिति दिन के एक भाग में अपनी बैठक कर सके। यदि सभा चाहती है कि उसकी बैठक प्रातः काल हो तो हम लोग सवेरे समवेत होंगे। कुछ लोगों ने सुबह बैठक की इच्छा जताई, कुछ सदस्य दोपहर में बैठक चाहते थे। सभापति बोले, इस संबंध में किसी निर्णय पर पहुंचना मुझे डर है, मेरे लिए मुश्किल है। मैं सदस्यों को कष्ट दूंगा कि वे हाथ उठाकर अपनी राय जाहिर करें। जो सवेरे की बैठक में चाहते हैं वे हाथ उठाए, तो ज्यादातर लोगों ने हाथ उठाया। जान पड़ता है बहुसंख्यक सदस्य सवेरे की बैठक चाहते हैं। इसी प्रस्ताव पर विचार करने के लिए हमारी बैठक कल प्रातः 11 बजे होगी, और यदि जरूरी हुआ तो नियम निर्मातृ समिति की बैठक दोपहर बाद होगी। यदि सदस्यों को प्रस्ताव पर संशोधन पेश करने हैं तो वे कृपया दिन में अपना संशोधन मंत्री को दे दें, हम कल इस पर बहस शुरू करेंगे। मंत्री इस बात के लिए प्रयत्नशील रहें कि प्राप्त संशोधनों को वे यथासंभव सभी सदस्यों को पहुंचा दें। एक सदस्य ने पूछा, क्या हम शनिवार को बैठ रहे हैं? सभापति ने, मेरा ख्याल है हम लोग शनिवार को समवेत होंगे, यह मेरा विचार है, पर यह प्रश्न सभा के अधीन है। मैं समझता हूँ कि हम लोग शनिवार को भी बैठेंगे। माननीय पंडित हरदयालाल कुंजरू जी बोले, मैं समझता हूँ कि शनिवार को हमारी बैठक न होनी चाहिए, एक दिन का हमें अवकाश लेना चाहिए ताकि उपस्थित सदस्यों पर हम समस्याओं पर हम शांतिपूर्वक विचार कर सके। श्री श्री प्रकाश जी जो शुक्र प्रांत से थे वो बोले, मेरे ख्याल से हर रविवार को अवकाश रहना चाहिए, और पंडित हरदयनाथ कुंजरू को शांतिपूर्वक विचार करने के लिए यह काफी है।
सभापति जी बोले, इस पर हम कल विचार करेंगे। जहां तक इस सभा का प्रश्न है, हमें इसे कल प्रातः 11 बजे तक स्थगित कर देना चाहिए, पर मैं चाहूंगा कि नियम निर्मात्री समिति के सदस्य आधे घंटा बाद बैठें। इसी बीच में हम यह तय कर लेंगे कि वे किस किस कमरे में बैठेंगे। सभा कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। डॉक्टर सर हरि सिंह गौड़ बोले कि मेरी समझ में यह बहुत लाभप्रद होगा यदि प्रस्तावक महोदय अपना प्रस्ताव उपस्थित कर अपना विचार व्यक्त कर दे, ताकि सदस्यों को उसका पूरा तात्पर्य मिल जाए और तदनुसार वे उस पर संशोधन पेश कर सकें जिन पर कल या परसों विचार किया जा सके। श्री सत्यनारायण सिन्हा जी ने कहा, सभा तो स्थगित कर दी गई है। सभापति बोले, सर हरि सिंह गौड़ का सुझाव है कि प्रस्तावक अपना प्रस्ताव उपस्थित कर भाषण से अपना दृष्टिकोण व्यक्त कर दें, ताकि सदस्यों को वह मालूम हो जाए और प्रस्ताव पर कल बहस की जा सके। मैंने समय पहले ऐसा ही सोचा था, पर बाद में मैंने सोचा कि सदस्य कल सारी बातों पर विचार करना चाहते हैं। कुछ सदस्यों ने कल के लिए कहा। सभापति ने तब कहा कि इस पर कुछ मतभेद मालूम पड़ता है और मैं इस पर मत लेना नहीं चाहता, विशेषतः इसलिए कि मैं सभा को स्थगित कर घोषित कर चुका हूँ। अब सभा कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित है और इसके बाद सभा शुक्रवार 13 दिसंबर सन 1946 ईस्वी के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई। और ये आपको बता दें कि 13 दिसंबर वह दिन है, 13 दिसंबर 1946, कि जिस दिन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया था, जिसके अनुसार ये माना गया था कि ये ऑब्जेक्टिव्स है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के, और इस हिसाब से ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए।